So guys, आज हम अपने चैनल में पहली बार कोई विक्टर का बैडमिंटन रैकेट रिव्यू करने वाले हैं, वो भी स्पाइडरमैन एडिशन वाला। एंड रिसेंटली ये रैकेट अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है। ये है इसका बॉक्स जो कि हमें काफी तगड़ा देखने को मिलता है। एंड पर्सनली मैंने इतना ज्यादा प्रीमियम बॉक्स अभी तक नहीं देखा है। ये आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके ऊपर वेब टाइप के पैटर्न बने हैं थ्रू आउट द बॉक्स। यहाँ आपको मार्वल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, सेंटर में स्पाइडरमैन का लोगो जो कि 3D में है, एंड नीचे साइड में रेड कलर में विक्टर की ब्रांडिंग है लोगो। बॉक्स के नीचे साइड आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। एंड टॉप साइड की बात करें तो यहाँ स्पाइडरमैन का मास्क बना है। बॉक्स के इस साइड लिखा है वेब क्रॉलिंग क्राइम फाइटर, एंड इसके अपोजिट साइड लिखा है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है, तो चलिए बॉक्स को करते हैं ओपन। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, अंदर से हमें कुछ ऐसे टाइप का देखने को मिल जाता है, काफी प्रीमियम लुक देता है। एंड आपको अंदर में एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है, एंड ये हमारा रैकेट। रैकेट को निकाल लेते हैं बाहर, तो दिखने में गाइस काफी बढ़िया रैकेट है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो स्पाइडरमैन सूट पहनता है वैसे टाइप का आपको रैकेट का कलर देखने को मिल जाएगा। ये बॉक्स को भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स, अंदर में आपको स्पाइडरमैन का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में, इसको भी रखते हैं एक मिनट के लिए साइड में। एंड ये बॉक्स में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इसका भी बॉक्स देख लीजिए, काफी अच्छे से डिजाइन हुआ है। एंड सबसे पहले हमें ग्रिप देखने को मिल जाती है विक्टर की GR233SP ग्रिप। तो ये ओवर ग्रिप है, तो यहाँ हम लगा के देखेंगे इसको भी। एंड उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग देखने को मिलती है विक्टर की, जो कि है VS63SP, जिसका थिकनेस 0.63 mm है, जो कि हमें काफ़ी पतली देखने को मिलती है। एंड और क्या एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ कुछ बड़ा सा हमें देखने को मिल जाता है। आई थिंक ये बैग है, यस ये बैग है। तो जो हमें रैकेट बैग वगैरह देखने को मिलते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको स्पाइडरमैन का लोगो एंड स्पाइडरमैन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, एंड पीछे साइड विक्टर की ब्रांडिंग एंड लोगो। तो गाइस सबसे पहले हम ये स्ट्रिंग लगा लेते हैं इस रैकेट में 28 lbs। उसके बाद मैं आपको इस रैकेट के साथ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, एंड फाइनली देन हम इस रैकेट के साथ खेल के देखेंगे। तो गाइस स्ट्रिंग लगाने के बाद अब इसके लुक में चार चांद लग गया है। ये रैकेट एंड इसका स्ट्रिंग आपको रेड कलर एंड नेवी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। हेडशेप की बात करें तो हमें आइसोमेट्रिक देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो प्रोवाइड करता है बिगर स्वीट स्पॉट। जैसे कि आपको पता है, जो पहली स्पाइडरमैन की मूवी आई थी वो 2002 में आई थी, एंड उसमें स्पाइडरमैन के पापा ने स्पाइडरमैन को कहा था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज आपको रैकेट के फ्रेम के टॉप में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे अंदर साइड में स्पाइडर बना हुआ है, जो बेसिकली डिटरमाइन करता है फ्रेम के सेंटर को। एंड आपको काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बने हुए देखने को मिल जाएंगे थ्रू आउट द फ्रेम। फ्रेम के इस साइड स्पाइडरमैन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, एंड इसके अपोजिट साइड यहां लिखा है वेब क्रॉलिंग क्राइम फाइटर। जो मटेरियल यूज हुआ है रैकेट को बनाने के लिए वो है हाई रेजिलेंस मॉड्यूलस ग्रेफाइट प्लस नैनो रेजिन। इस रैकेट में तीन टेक्नोलॉजी यूज हुई है। पहला है नैनो टेक, जो कि रैकेट के फ्रेम के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरा है एरोस्वॉट टेक्नोलॉजी, जो रेड्यूस करता है एयर रेजिस्टेंस को, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा स्विंग स्पीड देखने को मिल जाएगा रैकेट में। थर्ड है फ्री कोर, जो अलाउ करता है शाफ्ट को और फ्रीली मूव करने में, साथ साथ इंप्रूव करता है ओवरऑल हैंडलिंग एक्सपीरियंस को। रैकेट के बैलेंस पॉइंट की बात करें तो जब मैं इस रैकेट के साथ खेल रहा था, तो मुझे इसका बैलेंस पॉइंट इवन बैलेंस से थोड़ा एंड हेडलाइट थोड़ा ज्यादा के बीच में देखने को मिला। माने इस रैकेट का जो मैक्सिमम वेट है उसके हैंडल पे शिफ्ट है। ये एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके टी जॉइंट में एक तरफ विक्टर का लोगो बना है, एंड इसके दूसरे तरफ स्पाइडरमैन का मास्क बना है, जो कि दिखने में काफी कूल लगता है। ये हमारा रैकेट का शाफ्ट, यहां आपको स्पाइडरमैन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे स्पाइडर बना हुआ है, एंड जहां से टी जॉइंट खत्म होता है ना, वहां से लिखा है माय स्पाइडर सेंस इज टिंगलिंग। का मतलब ये है, जब भी स्पाइडरमैन के आसपास क्राइम होता है तो उसको एक तरह से एहसास हो जाता है इसका। बाकी काफी सारे यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाएंगे थ्रू आउट द शाफ्ट। शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्सिबल से थोड़ा कम एंड फ्लेक्सिबल से थोड़ा ज्यादा के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसके शाफ्ट में यहां डिटरमाइन किया गया है। शाफ्ट डायमीटर की बात करें तो आपको 6.8 mm देखने को मिल जाएगा। यह हमारा रैकेट का हैंडल कैप, जो कि आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा, एंड इसके एक तरफ स्पाइडर बना है, एंड इसके दूसरे तरफ स्पाइडरमैन का मास्क बना है, एंड ये दोनों ही 3D में देखने को मिल जाएगा। ये दोनों के बीच में आपको स्पेसिफिकेशन लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। जैसे कि यहां लिखा है 4U, जो कि रैकेट का ओवरऑल वेट है, जो कि आपको 80 से 84.9 ग्राम के बीच में देखने को मिल जाएगा। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट किए तो ये हमें 86 ग्राम के अराउंड देखने को मिला विदाउट स्ट्रिंग एंड ग्रिप, एंड ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें 96 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाएगा ये रैकेट। उसके नीचे लिखा है G5, जो कि रैकेट का ग्रिप साइज है, एंड उसके बाजू में लिखा है 28 lbs, माने इस रैकेट का जो मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है वो है 28 lbs। बाकी इसमें आपको ट्रांसपेरेंट हैंडल देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर कंपनी की तरफ से ब्लैक कलर की ग्रिप चढ़ी है, जो कि काफी सॉफ्ट
सॉफ्ट है एंड हैंडल के नीचे साइड आपको विक्टर का लोगो देखने को मिल जाएगा 3D में। एंड इस रैकेट के प्राइस की बात करें तो इस रैकेट का जो MRP है वो है 23,990 रुपीज, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, ये आपको 19,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इस रैकेट से खेल लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर लेता हूँ। रैकेट से खेल लिया और मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड से भी इस रैकेट को टेस्ट कराया है, सो ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर कर लेता हूँ। गाइस सबसे पहले चीज जो हमने नोटिस की रैकेट का वो है ड्राइव्स एंड पैलर, हमें काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिला एंड जो रैकेट का मूवमेंट था वो भी काफी क्विक था, जिसके कारण ग्रिप चेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये स्लाइटली हेडलाइट टाइप का बैडमिंटन रैकेट है, तो आपको रैकेट में उतना पावर नहीं देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट लेग स्मैशेस एंड क्लियर टॉस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी डबल्स में अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट ऑफ द कोर्ट खेलते हो तो ये आपके लिए काफी सूटेबल रहेगा एंड इसका जो कंट्रोल है वो भी काफी अच्छा है। जब मैं इस रैकेट से फ्रंट ऑफ द कोर्ट खेल रहा था तो जब मैं शटल को नेट पे कीप कर रहा था या टैप मार रहा था तो वो काफी अच्छे से जा रहा था। सिंगल्स की बात करें तो अगर आप एक रैली टाइप के प्लेयर हो, काफी डिफेंसिव खेलना पसंद है, तो ये रैकेट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड जब मैं इस रैकेट के साथ स्ट्रेट ड्रॉप या क्रॉस को ड्रॉप मार रहा था तो मुझे काफी ज्यादा शार्प देखने को मिला, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक स्किल रैकेट है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूं ये विक्टर का स्पाइडरमैन वाला रैकेट का रिव्यू आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी टाइप की वीडियो को बनाने के लिए।